सीमापुर, वहां का एक नर्सिंग होम जहां अभी हीरो जन्म लेने वाला है। अब तक रोने या चीखने की आवाज सुनाई नहीं दी। ए कल्पेश, तू तो ऐसे चक्कर लगा रहा है जैसे बच्चा तू पैदा कर रहा है। अंदर मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके चीखते ही बाहर वाले उसे माँ समझेंगे। मुझे बापू का प्रूफ देने के लिए मेरे को टेंशन है, बताना पड़ेगा ना। पॉइंट तो है। माँ वो बनने वाली, और चिल्ला तुम रही हो क्यों? मेरे पैर पर खड़े। ओ माफ करना सिस्टर। अब आप क्यों हंस रही है बहन जी? ये पेट के अंदर गुनगुनी कर रहा है। रियली? मेरे 15 साल के सर्विस में बच्चा पैदा होते वक्त मैंने माँ को सिर्फ चिल्लाते देखा, इनकी तरह हंसते हुए नहीं। इट्स अ मिरेकल। ये तो डिफरेंट ही है। Congrats! आपको बेटा हुआ जो बिल्कुल आप लग गया है। ये खबर सुनाकर तुमने पूरे मोहल्ले का मुंह बंद कर दिया। इसका मुंह मैं कैसे बंद करूं? ये क्या? इससे तो मैंने चेन मांगी थी, पर ये तो चैन दे गया। ओह, सिक्स पैक्स? ये माँ के पेट से आया, जिम से? संभालिए अपनी औलाद की औलाद को। इंकी पिंकी पोंकी, फादर है डोंकी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। बाय द वे, इसका फादर आप है या डोंकी है? ये हमारा खानदानी बर्थडे सॉन्ग है, पर दादा ने दादा के लिए, दादा ने पापा के लिए, और पापा ने मेरे लिए गाया था। तो अब तुम इसके लिए गा रहे हो? कंटिन्यू कंटिन्यू। इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड। चिंगम 2 की रिलीज वाले दिन शो से 20 मिनट पहले दिखाने की क्या जरूरत थी? लात मार के खोलने के बजाय बटन दबा के खोल देते, अब बिल कौन भरेगा? बिल की परवाह नहीं है बे, बिल्डअप कड़क होना चाहिए। ओए आसमारम, एबीसी आती नहीं है और मेरी कंप्लेंट सीबीआई में करेगा? आज दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। चल बे, चल बे। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, मेरे को बचा लो। हमारा सुपर हीरो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन इसकी सुसु भी कम नहीं। देखिए इसकी सुसु की पावर। सुसु की पावर ने रीढ़ की हड्डी को मार दिया। अरे रीढ़ की हड्डी! बेटा यहाँ तू लेटा क्यों है बे? अरे खून है बे, हड्डी बटे। किसी ने मार डाला बे इसे। ओ तेरी टोमेटो केचप। ना तो बॉम्ब फटा, न गोली, न चाकू, आखिर इसे मारा कैसे बे? भैया लगता है इस एसिड से इसकी मौत हुई है। एसिड? ये एसिड नहीं है भाई, ये तो पेशाब लग रहा है। पेशाब? इतने खतरों से खेलने के बाद तुझे पेशाब से मरना था क्या बे? जिसकी भी ये धार है उसे तलवार की धार से मारो। ये धार तो मेरे बेटे की है। जाना बे, चलो चलो चलो, आ जाओ ना। पेशाब कहीं बांध टूट गया क्या? चलो खाट खाली करो। क्यों, डॉक्टर ने बिल ज्यादा बनाया? नहीं, बेटे ने सुसु ज्यादा किया तो एक आदमी टपक गया, वो ऊपर आ रहे हैं उसे मारने के लिए। सुसु से मर गया? मेरी पैंट गिली हो रही है, तुझे मजाक सूझ रहा है? चलो जल्दी बस यहाँ से आ रही है, चलो। रेडी? ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। भैया सुसु तो एक छोटे बच्चे ने किया है। मैं तो मार दे उसे। भैया हम औरतों और बच्चों को नहीं मारते ना। तो बड़ा करके मारेंगे, लेकिन मारेंगे। व्हाट एन आइडिया भैया जी, उठा के ला उसे बे। चलो रे। ए गेंडी के बच्चे, जरा इंसान के बच्चे को पकड़ दो। खुशबू जानी पहचानी लग रही है मुझे। भैया क्या किया? ये वही बच्चा था। यहाँ खड़ा क्या कर रहा है तू? पकड़ बे उसे। सुनिए ना, मैं और नहीं भाग सकती। तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम बच्चे को लेकर घर चल जाओ। माँ यही होगा, घर में
मिस मत करो, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी जा। माँ सेंटिमेंटल मत हो, जल्दी जाओ ना। सेंटिमेंटल नहीं रे, रिक्शे का भाड़ा नहीं है ना। जल्दी जाओ। हाँ। इस तरफ चलो। सही टाइम पे लिफ्ट मिली। ला बचा दे। माँ लिफ्ट कराती हूँ तुझे। और ये सुपर हीरो का शॉट और विलन कोमा स्मार्ट बॉय। एवरेडी अबे एवरेडी तो फॉरएवर कोमा में चला गया। ऊपर वाले तेरा शुक्र है। पैदल जाके भाड़ा बचाती हूँ। दादी माँ हैं? कौन बोल रहा है? तुम्हारी औलाद की फौलाद जैसी औलाद। पैदा होते ही बोलने भी लग गया, लगता है पिछले जन्म में डबिंग आर्टिस्ट था तू। तुम भी कम नहीं बोलती हो दादी, जल्दी से मुझे हैदराबाद ले चलो। क्यों मेरे बच्चे? सुसु करने के लिए इतनी दूर? रोक मत, यहीं कर ले। बात सुसु की नहीं है दादी, मुझे हैदराबाद में सुनामी लाना है। ले 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 ले। अभी से तेरे डायलॉग में कितने पंच है बेटा, बड़ा होके तो सुपर हीरो बनेगा, एकदम रियल हीरो। चलो हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद शहर का सबसे खूबसूरत अजूबा। अरे ओ कैमरामैन, हैदराबाद में हीरो की एंट्री दिखाएगा ना? क्या लगता है हैदराबाद में सिर्फ चार मीनार है? अरे हैदराबाद में कोलीवाड़ा बस्ती है, पुराना नाला है, देसी दारू का अड्डा है, सुलभ शौचालय है, मुन्नी का कोठा है, गर्दुला वाड़ी भी है, यहाँ गली गली में शाही लोकेशन है। तुम लोग हमेशा कैमरा लेके चार मीनार में काई को घुसते हो रही? चल कैमरा हटा, बुरे दिन चले गए अच्छे दिन आने वाले हैं। अबे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चल जा मार्केट घूम के आ। बैगन बाजार उस दिन केक रिलीज हुई थी। हाय ए चल हफ्ता निकाल। चल ला रे ए निकाल बे। ए चल फूल की दुकान निकाल निकाल, जल्दी दे ए उससे मिले। ए हफ्ता निकाल। एक समय था जब जुहू में मेरा आलीशान बंगला और ऑफिस हुआ करता था, फिर मुंबई वेलवेट में 100 करोड़ का लॉस करके वड़ा पाव बेच रहा हूँ और तुम मुझसे हफ्ता मांग रहे हो भाई। अच्छा वो फिल्म मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाई थी, वो मुझे छोड़ के चली गई। डबल हफ्ता दे। नहीं दे सकता भाई, साले को पैरों में डाल दे। डैडी ये अन्याय है। खंबाटा नाम नहीं, एक ब्रांड है भाई। ये मॉल में मिलेगा? मिलता ये गए नहीं, स्टाइल है। मुझे माफ कर दो प्लीज खंबाटा। बस्ती वालों कान से एयरफोन हटा के सुन लो, किसी ने खंबाटा को हफ्ता देने से मना किया तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे आदमी करेंगे। क्या यहाँ कोई हीरो नहीं है जो एक प्रोड्यूसर को बचा सके? क्या करता है, कहीं गिर गया तो लग जाएगी। लगेगी और मुझे जमीन पे गिरना और डर के भागना हमारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं सीखा। अरे अरे इतनी जोर से क्यों मार रहा है? कहीं और लग गया तो अगला हीरो कहाँ से आएगा? एक काम था, मुझे पैदा हुए 10 साल हो गए पर अभी भी मैं 15 साल का लगता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं बड़ा होकर इस शहर पर हो रहे अन्याय को रोक सकूं, इसलिए मुझे बड़ा हीरो बनना है। मुझे बड़ा होना है और हीरो बनना है, इतना ही ना? जा हीरो साइकिल रखिए, चला। ये सब तेरी बेटी की खूबसूरती को फ्री में देख रहा है, अपन इसका बदन ढक देता है। नहीं खमाटा, आधे कपड़े पहनकर भी इसकी शादी नहीं हो पा रही, पूरे कपड़े पहनाकर इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। गुंडा आप लोगों को फ्री में मेरी खूबसूरती देखने से रोक रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई मर्द नहीं जो मेरी खूबसूरती को खोले। शुक्र है अंडरवेयर पहनी थी, ये अंदर की बात है। ऐसी किक मारी है कि भाईजान की किक फीकी पड़ गई। जमीन के काले नेवलों हमें मारी सटकी गई। क्या उखाड़ेगा तेरे बचे हुए टकले के पास?
रुक रुक, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। सिद्धि विनायक जाने के लिए मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। एक एहसान करोगे, मुझे वहाँ पहुँचा दोगे? सिद्धि विनायक? हाँ। सीधा खड़ा रहे। गणपति बाप्पा मोरिया, जल्दी से सिद्धि विनायक। ये लो तिरुपति का लड्डू। अरे तेरे को तो सिद्धि विनायक भेजा था ना, ये टकलो कहाँ से हो गया? तिरुपति से। गोविंदा गोविंदा। सुपर हीरो का जूता है जापानी, जिसको पड़े मांगे ना पानी, याद आ जाए ना। शेर दिल जवानों के लिए लिफ्ट ऑन चाय। भाई लोग, ये हड्डी का ढांचा क्लाइमेक्स में दिखाने वाला था, पर तुम लोगों ने मेरे वस्त्रों का चीर हरण कर दिया। हमें मरी सटकी गई। बिजली आप सबको मुफ्त मिलेगी। राहुल रॉय, कुमार यादव, जुगल हंसल, चिंकी पांडे, दीपक तिवारी, चंद्रचूड़। लेडीज, लेडाज, प्लीज मेरी तुलना इन महान हीरोज के साथ मत कीजिए। तुलना ही है तो शाहरुख खान के साथ तोलिए ना। शक्तिमान, 300 रुपए पड़ने वाला क्राउड, चिल्लाना बंद करो। सर पेमेंट कब मिलेगा? फरवरी की 30 तारीख को आ जाना ऑफिस में, समझे क्या? चलेगा। और 3 मिनट बाद इसे इंजेक्शन देते रहना। नमस्ते सर। यूरिन रिपोर्ट। गब्बर सिंह, गब्बर सिंह आ गया। गब्बर नहीं है। शौचालय रिपोर्ट। महेश भी नहीं है। खोपड़ी का जरा अगर इनमें से कोई भी नहीं मारता तो सिर्फ इनकी 206 हड्डियां ही टूटती, लेकिन इन लोगों को तो घायल, घातक, गदर, कहर, जिद्दी, जोर सब एक साथ हो गया। इसका मतलब वो इन सबसे भी ज्यादा डेंजरस है। अब खन्ना क्या करेगा? मार्केट में कितने आदमी करके आई? नहीं, मतलब एक। कौन है वो? शिवा। शिवा, शिवा, शिवा। ए, बार बार क्यों बोलता है? एक बार में सुन लेता हूँ मैं, अब बुलाना मत। लगता है वार्ड बॉय का नाम भी शिवा है। पूरे 2 ट्रक भर के छोकरे ले जा और ठोक डाल इसको। ए, उसको। भाई मेरे सारे आदमी MLA की रैली में गए। सिर्फ एक ट्रक मिलेगा या 2 छोकरे? आई विल ट्राई। उसके साथ इसको भी ठोक डाल। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? बिल कौन भरेगा? तू ही भर डालना। मैं? राजेश, अन्ना, इसको भी टपका दे। मुझे 200 रुपए में किस किस को मारूंगा मैं? अपने आदमियों को कहीं और भर्ती कराओ, कम ऑन। सब काले अंदर। ओहो, हमारी व्हाइट गोटी है। कभी कभी मैं अपने शत्रुओं को जीतने का मौका देता हूँ। गलती भी करेगा, डायलॉग भी मारेगा। कितना टाइम हो गया, माचो मंडली कहाँ है? अच्छा नजर। लेट फकीर। Hi dude. Hi bro. इतना लेट काहे को? Sorry bro. HOD बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर हमने प्रैक्टिकल बंक किया तो फाइनल में लग जाएगी। अरे
अभी हम जवान हैं या और अगर हम जवान हैं तो बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो डेढ़ फुट डिंग से चल, चलो निकल। डार्लिंग बेबी, कब तक ये फोन पे टॉकिंग और नेट पे चैटिंग करते रहेंगे? और हमने जो सेल्फी ली थी उसे फेसबुक पे क्यों नहीं डाली? फोन पे बातें करना छोड़ो और फेस टू फेस मिलो। वैसे तुम्हारे फोन में मैंने 5,000 और अपने में 200 का रिचार्ज करवाया है। वैसे दो चाय का ऑर्डर दे। अच्छा फोन की बैटरी लो है क्या? ओके, मैं रात को फोन करूंगा, उठाना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा था और तुम लोगों को चाय की पड़ी है। अरे कैसा दोस्त है ये, बॉयफ्रेंड की चाय के लिए चिंदीगिरी? गर्ल्स तुम्हें तभी प्यार करती हैं ब्रो जब उन पर खर्चा करो। खर्चा करने के बाद जो लड़कियां तुमसे प्यार करती है ना, वो लड़कियां खर्चे वाली लड़कियां कहलाती हैं। असली प्यार वो होता है जब पहली बार लड़की को देखने पे टन 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 पूरे शरीर में घंटियां बजनी चाहिए, समझा? आगे भी और पीछे भी। ओके सही बोलता है। आसमान में बिजली चमके ना चमके, दिमाग में छोटा सा बल जलना चाहिए। इज इट दैट्स इट। हे ब्रो, खन्ना भाई के गुंडे। ए, तुम में से शिवा कौन है? आवाज में दम नहीं, यही डायलॉग तू बोल। शिवा कौन है? हाँ बोलना। जिसके एक थप्पड़ से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और पल्स तेज हो जाए तो समझ जा कि वही शिवा है। खन्ना ने तुझे बुलाया, गाड़ी में बैठ जा। और ना बैठो तो हम लोग बिठा देंगे। तो बिठा दो। ये कायको, ताकि हमारे अड्डे का तुझे पता ना चले, गाड़ी चलाना। बिरयानी की खुशबू, मतलब ग्रीन बावर्ची, कृष्णा नगर। प्लीज मंत्री महोदय बैठ जाइए, इस तरह से एक दूसरे पर चप्पल और कुर्सियां मत फेंकिए। नेता फाइटिंग, कोई शक नहीं, असेंबली है ना। ये एरिया समझ में नहीं आ रहा है। भाई का फोन, बोलिए ना। शेक पेट से धूल पेट आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है तेरे को? इसे रास्ते का पता ना चले इसलिए हम फाई गार्डन घूम के आ रहे हैं। ठीक है, सुन ना, भाई की सटक गई, बोल रहे शेक पेट से धूल पेट आने में टाइम क्यों लग रहा है। एक काम कर, नागपाड़े के सिग्नल से लेफ्ट ले ले। अबे येड़े, वो वन वे है, राइट से निकाल, ट्रैफिक कम मिलेगा तेरे को। सच्ची? जो भाई बोल रहे वही करना। राइट मार। चपड़ गंजू खन्ना का अड्डा, टाइम बहुत खराब, सॉरी मेरी फौज खो गई है। फिल्म का पहला नाइट सीन। जो कंधे पर है वही शिवा है। इसने इसको मौत की गली दिखा दी क्या? नहीं भाई, ये बोला कि मुझे सीढ़ी चढ़ने की आदत नहीं है। ये क्या, तूने तो इसके बारे में बड़े बड़े बोल वचन किए थे, ये तो एकदम थकेला और नल्ला आइटम निकला। भाई एक मिनट, बाहर आना जरा। मुर्गे को ऐसी शेर वाली एंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, जरा अपने पंख फड़फड़ा। ए राजेश, बिजली की तार भी मेरी तरह ही पतली दिखती है पर उसे छूते ही झटका लगता है। अगर अंधेरा हो गया तो? मैं फाइट करता रहे। मैं खन्ना, पंगा मत ले, इधर इस दफना डालूंगा। मुझे दफनाएगा पहले तो कब्र खुद दुख क्या? ना भवानी, ना रहेगा बुढ़ापा ना ही जवानी। अगर तू माचिस की कांटी से खेलेगा तो चल जाएगा। तेरे बोल वचन बहुत हार्ड है बेटा, बोल क्या चाहिए तेरे? सिर्फ एक लाख। ये लातों के भूत नहीं है, बातों के भूत है। ए भवानी, मैं तुझे 365 सेकंड देता हूँ, इन काले टुच्चे विलन्स को लेकर तू अपने रास्ते जाएगा और मैं अपने रास्ते। कौन से रास्ते? मैं बताता हूँ, तू रहता है गंगानगर में, मैं रहता हूँ जमुनानगर में। ये सब जोड़ ले, पूरे 25 किलोमीटर का फासला है। गोली और खोपड़ी के बीच 25 इंच का फासला है। ओह
ये क्या 55 रुपए की गोली वटाने की तरह चबा रहा है। पीछे हटो, मुझे थूकना है। कब से नहा नहीं है बे? ए, लगेज बाहर निकालो। अच्छा भाई, इस आदमी के मारने से ये कोमा में गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उसी आदमी के दोबारा मारने से ये ठीक हो जाएगा। वो तो है। और हम देश का कोना कोना घूमकर हर ऐरे गहरे से इसे फोकट में पिटवा रहे हैं। बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए सही पंच का सहारा। कब से घूम रहा है मारा मारा, अब हैदराबाद में ही ढूंढना पड़ेगा इसके लिए चारा। चलो भैंसों काम पर लगो। अरे रुको भाई, हमेशा आप ही लोगों को बुलाते हो और बात नहीं बनती। इस बार मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करना। ओए। Yes, darling. चलिए जरा। ये तो रॉन्ग नंबर है। आप करो भाई, हमेशा ऐसे मर्दों नहीं मारा है, आज औरत से पिटवाते हैं। मर जाओ। चल मार इसे। अबे ताले नहीं, इसे मार। कुछ नहीं हुआ। ए, चल जा। और कहीं नहीं मारना। ए, चल हट, भाई यहाँ से। ए, लगेज को अंदर रखो जल्दी। भाई चलो चाय पीते हैं। चलो ना। भाई इसे देखो हिल रहा है। बधाई हो, लगता है सिर्फ ऊपरी शरीर कोमा में गया है, बाकी इमोशन जागे। एक मिनट भैया का फोन। एक्सेल चड्डी कहाँ तू? मेरा बेटा कैसा है? बिल्कुल ठीक है भैया, धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ रहा है। क्या तुम्हें वो आदमी मिला जिसने इसे कोमा में पहुँचाया था? अभी तक नहीं भैया। दो टके के पिछले 25 साल में मैंने उस आदमी को ढूंढने के लिए 25 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन वो तो दूर, तू उसके साए का भी पता नहीं लगा पाया। लगा लेंगे भैया, हम जी फाड़ मेहनत कर रहे हैं। सच है भैया? अबे उसे जल्दी ढूंढ, वरना मैं तुझे ढूंढ के तेरी धार बंद कर दूंगा। अबे ठीक है भैया, ठीक है। सर कॉफी? अकल के अंधे, मैं नीचे से ऊपर गया और तू कॉफी लेकर आया? चाय से ठंडा कर और फिर लेकर आ। सुनिए जी, दुखी मत होइए, ये सारा ड्रामा हम अपने बेटे के लिए ही तो कर रहे हैं। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कौन जाने। वो जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। लगता है कोई आ रहा है, मास्क पहन लो। हे डूड, आइटम आ रहे लिए कदम संभाल के रखना है, मेरा दिल बिछा है। हट कुत्रिया। क्या बात है ब्रो, पंच तगड़ा था। हाय रैम्बो। हाय। अरे आज मेरी फेवरेट हीरोइन सनी लियोन की फिल्म रिलीज हुई है, टिकट बुक की है, चलोगे? वो एडल्ट फिल्म है, मुझ जैसे अंडर एज को घुसने नहीं देंगे, तुम जाओ, बड़े लोग को अलाउड है। सनी लियोन की जय। बाय, एंजॉय द फिल्म। ओ हंसिनी। सही कहा, लाल हंसिनी। हाय हंसिनी, तुम्हें देखकर मेरी घंटी बजती है। What about you? अगर मेरे भैया को पता चला ना तो वो तुम्हारा घंटा बजा देगा। Hey, bro! ये है हमारी हीरोइन, कंजूस बाप की इकलौती औलाद। आजकल के हीरो पानी कम चाहे, हीरोइन उनसे ज्यादा पावरफुल है। ये मगध हीरा की तलाश में 9 समंदर ढूंढ चुकी है। इन्हें कोई बताए हैंडल विद केयर। अरे बैल की जान लेगी क्या? पूरे शरीर में घंटियां बजनी चाहिए, समझा? आगे भी और पीछे भी। सच में घंटा बज गया। आसमान में बिजली कड़के ना कड़के, दिमाग में बल्ब जलना चाहिए। इसकी हेडलाइट देखकर मेरा बल्ब जल गया और मेरा फ्यूज उड़ गया।
सब सही सलामत है ना? अरे अक्कल नहीं है, अगर एक ही बार टक्कर मारो तो सींग उगाते हैं। चलो फिर से टक्कर मारो। क्या फिर से? एक बार मारने से तो मैं बिखर गया था, दूसरी बार मारेगा तो मैं तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं मारा तो ऐसे दिखोगे। चलो लूसी मारो इसे। कांग्रेस ब्रो, आखिर तुझे प्यार हो ही गया। अरे ड्यूड, मुझे ब्रेकअप के बाद पब में पार्टी जरूर देना। क्या? तू कैसा दोस्त है, पहले सेटिंग तो होने दे। लग दे। बेटा मन में लड्डू फूटा ना। हाय नताशा। हाय। अब चार लड्डू फूटा। दीवार पे चार बंदर बैठे हैं और उनके मुंह से राल टपक रही है। अपनी ड्रेस संभालो वरना गीली हो जाएगी। ए, रुक 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 रुक, साइकिल 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 दे मुझे, दे दे रे जल्दी। मैं नहीं दूंगा। छोड़े, मैं दे दूंगा। छोड़ना। लेकिन कहाँ जा रहा है? इसका पिछवाड़ा प्लास्टर कंफर्म। सही बोला। अभी तो ये मुंह से सीटी बजा रहा, थोड़ी देर में कहीं और से सीटी बजेगी। हे डूड, यू आर लेट। डैडी, ये बाप बेटे में तो कुछ ज्यादा ही जनरेशन गैप है। अरे रैम्बो, तेरे को शर्म है या बेच के खा गया? जब देखो सिगरेट तंबाकू चूना खाता था, अब लगाना भी शुरू कर दिया। तू मेरा बेटा है या किसी पान वाले का? बस अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर फूफू फूकता रहेगा। अबे दिन भर सिगरेट फूकता रहेगा और एक दिन मुझे भी फूक देना। छू तेरी। ये फादर लोग हम बच्चों की फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझते। हेलो जी। हाय। आई एम शिवा। आई एम प्रिया। काफी बड़ी है। What? तुम्हारे हाइट के हिसाब से तुम्हारी चप्पल बहुत बड़ी है। अच्छा, तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? करेक्ट। इस दुनिया में कब आए? सेकंड जैन 1988। और मैं फर्स्ट जैन को आई। तुम भी 24 साल के और मैं भी। लेकिन मैं तुमसे 12,420 सेकंड बड़ी हूँ। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो तुम मेरे छोटे भाई हुए। मुझे भैया बहुत सी लड़कियों ने बनाया, तुम मुझे सैया बना लो। क्यों? जवाब कॉमन है, मने तारा थी प्रेम छे। यो, अयो, अम्मा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, फिर कैसे हुआ ये? घबरा मत बेटा, मैं इसे देखती हूँ। बैठ जा बेटा, बैठ जा, आराम से, आराम से। मामूली सा दर्द है। आप पैदाइशी डॉक्टर हैं क्या? नहीं, मैं स्वीपर हूँ। सफाई करनी पड़ेगी। देख ब्रो, तू दुखी मत हो और देवराज का फॉर्मूला अपना ले। ये पहली धार का माल मेरे लिए है। ए दादी, तू खुद एक छोटा बैग है और पूरी बोतल डकारेगी। पोते, मैंने तुझे दूध की जगह दारू पीना सिखाया और तू मुझे सिखा रहा है? एक 2% की लड़की के लिए तो 200% की दारू बर्बाद कर रहा है। सारी लड़कियाँ इस दारू की तरह है, उन्हें इस तरह बह जाने दे। जो बह गई समझो ढह गई। लाइन मारते मारते सीने के बाल सफेद हो जाएंगे। कोई अच्छी मालदार लड़की को फंसा कर मुट्ठी में कर ले, लेकिन ये तुझसे कहाँ हो पाएगा। तू तो उस लड़की के पीछे नाचने लगा है, कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ। अरे लवर का फेल होना तो आम बात है, लेकिन आम आदमी का लीडर फेल हो गया तो बवाल हो जाएगा। लीडर? क्या तू दुखी जनता की बुझी हुई उम्मीद की मोमबत्ती को दोबारा अंगार नहीं लगाएगा? हाँ भाई, सही बोल रही है भाई। आजकल नेता लोग धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाकर अपना गुटखा खैनी और दारू पानी का खर्चा निकल रहे भाई। आपके जैसा बेवड़ा ही कुछ कर सकता है? बोलो रे बराबर ना। Yes, we are soldiers. जी बोले तो डिस्काउंट में दारू। बेवड़े, तुझे तो जहरीली शराब दूंगी पीने को, जा। शराब देना लेकिन शराब नहीं देना। योगी,
फैमिली पैक को उठाकर गाड़ी में डाल। इसको उठाने के लिए तो क्रेन की जरूरत पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं है, यह आइसक्रीम ही काफी है। आइसक्रीम खाओगे मेरे साथ आओगे, आ अंदर आ। चल खिसक। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं कितना अपना मुंह बंद रख। तुझे छोड़ने के लिए नहीं उठवाया मैंने, तुझे तो मैं निचोड़ूंगी और भी लूंगी। जाकर हॉस्पिटल में एचआईवी का टेस्ट करा लो। एकदम सही टाइम पे आया तू। साले मोटे को मैंने मर्द समझा, उससे कुछ नहीं हुआ। तेरा साइज तो छोटा है, पर ट्राई करने में क्या। मेरी साइज पे बच्चा, छोटी टीबी में बड़ा धमाका। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। कुतिया खून नहीं पीती है, हड्डी चबाती है। ले दो धारी कुल्हाड़ी, नुकीली हथौड़ी, कोलम कोलारी, मीडियम साइज तलवार, सुई धागे की सुई, कैसे मरेगी छुई मुई। अरे बाप रे, ये बता इतने डिजाइनदार हथियार कहाँ से लाया तू? तू विलेन है कि हीरो? हीरोज के सिर्फ कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं होते, हथियार डिजाइनर भी होते हैं। जानना है कहाँ से लाया? तेरे सामने रखे हथियार में से कोई भी एक सिलेक्ट कर ले, वरना खिड़की में से कूद कर अपनी जान दे दे। जल्दी सोच ले, चॉइस इज योर्स। वन, दो, नाल, पंच। मैं कूदूंगी। जा कूद। अरे मैं तो बच गई। Never underestimate killer. दी, वो लेडी रेपिस्ट तपक गई और उसने। भाई अगर डी को सैड न्यूज सुनाओ तो गोली खाने मिलती है। बैड न्यूज कभी भी सैड मूड में नहीं सुनाते। चिंगम, मैं आपके लिए चिंगम लाया हूँ। मुबारक हो, लेडी रेपिस्ट तपक गई। अरे मेरी माँ, मेरा कान फाड़ दिया, मैं गाना कैसे सुनूंगा? चिंगम खिलाओ या चिलगोजा, बॉस को मारनी है तो मारेगा। तो फिर तूने उससे क्या कहा? मैंने उसे छोटा भाई बोल दिया। बेचारा, तूने उसका दिल नहीं तोड़ दिया। बुरा तो लगा होगा। ओह गॉड, देख ये तो वही है ना। हाय प्रिया, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा प्यार चाहिए। प्यार कोई चिल्लर नहीं, जो तुम मांगो और मैं दे दूँ। तुम मुझ जैसे चिकने से क्यों प्यार करोगी? हाँ, तुम्हें तो कोई चमन चिंदी ही पसंद आएगा ना। मुझसे प्यार करने से तुम डरती हो? कहाँ मैं गोरा चिट्टा चिकना, जिसके पास बेशुमार दौलत है, हर गली में बंगला है, मारुति की रोल्स रॉयस है, अनगिनत साइकिलें हैं। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो, इसलिए तुमसे मेरी अमीरी हजम नहीं होती। जेब में मंगलसूत्र है और खोपड़ी सहने के लिए तैयार। तुम्हारे इस डायलॉग का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ऐसी बात है तो सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ बिताओ, खत्म कर दूंगा तुम्हें। नहीं, तुम्हारी सोच को। कोई जरूरत नहीं। क्यों, डरती हो कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए? नेवर। तो फिर चलो। ठीक बा, 10 मिनट खातिर। डन, वेलकम हो भाई। लोगों, मित्रों, प्रिया जी हमारा अंगना आई है। पूरी पवा माला है। शिवा,
कौन है ये सब लोग? सड़कों के अनाथ जानवरों को तो मेनका जी पनाह दे देती हैं, पर जो लोग प्यार में बर्बाद हो जाते हैं उन्हें कोई पनाह नहीं देता। इसलिए मैंने ये अनाथ आशिकों का आश्रम खोला है। प्रिया, ये है मजनू, ये यहाँ सबसे सीनियर है। नमस्कार। नमस्ते जी। अपनी भापचन कि आज हमारा साथ पारो बहन क्यों नहीं है? अरे वो हमसे पहले ही पीपी के मोर गई। प्रिया, ये रोमियो है, हीर किसी और के बच्चे की माँ बनी तो इसने अपनी जबान काट ली। बे, 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 प्रणाम। बे, 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 रोमियो, इना मंगलसूत्र मी घालनार। ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहा है तुम्हारी शादी में वड़ा दबाने का काम ये करेगा। ये गजनी है और वो राधे। शिवा, तुमने सुपरस्टार्स को भी पनाह दे रखी है। यू आर ग्रेट। मेल सैंपल्स इधर है, फीमेल उधर। जय जय जय। टाइटैनिक की हीरोइन भी। ये क्या है? सुना है अन्नदान सबसे बड़ा दान है। प्यार में चोट खाने के बाद इन्होंने खाना छोड़ दिया है, इसीलिए तुम इन्हें जिंदगी की दो बूंद पिला दो। और इंप्रेस मत होना वरना पंखे से टकरा जाऊंगा। इतने में सब लोग कैसे पी पाएंगे शिवा? सिक्स स्टार, ये लो डीरोपार। पालस पोलियो की तरह तीन बूंद हमारे अंदर जाते ही ठीक लगता है। अगर तुमने मेरा प्यार कबूल नहीं किया तो मैं भी इनकी तरह ही बन जाऊंगा। सोचो मत, पिला दो। हाँ भी नहीं बोला और साला क्वार्टर भी साथ में ले गई। इतना सब होने के बाद भी उसे प्यार नहीं हुआ? मुझे शक है कि वो गे है। ए, क्या है? मर्दों को गे बोलते हैं, लड़कियों को लेस्बियन। लेस्बियन, 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 लेस्बियन। अगर ये बात सच है तो प्रिया के लिए मैं लड़की बनके उससे प्यार करने को तैयार हूँ। ब्रो, प्यार में मैंने लोगों को आज तक हार्ट, आईज, किडनी और पता नहीं क्या क्या डोनेट करते देखा है, पर तुमने तो अपनी मर्दानगी की निशानी त्यागने की सोच ली। ब्रो, बंद करो ये सब। इस कंफ्यूजन का एक ही हल है। क्या बे? प्रिया की फ्रेंड हंसनी। इतनी अमीर होने के बावजूद भी प्रिया तभी शॉपिंग करती है जब उसे बाय वन गेट सिक्स का ऑफर मिले, वरना वो सालों साल शॉपिंग नहीं करती। इतनी सिंपल है वो। पर पता है 23 साल पहले उसके साथ एक चमत्कार हुआ था। हम फ्लैशबैक में जाते हैं। कहाँ घुलोगे तुम सब? फ्लैशबैक खत्म होने पर इफेक्ट के साथ वापस आ जाएंगे। मैं भी आ रहा हूँ, हम इस रास्ते से चलते हैं। चलो उन्हें देखो। जरा वो भी देखो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हम गलत फ्लैशबैक में आ गए हैं। प्रिया तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान से देखो, लाल साड़ी में वो औरत दिख रही है ना? वो प्रिया है। आंटी जैसी क्यों लग रही है? वो उसकी मम्मी है, गोदी में बच्ची है ना, वो प्रिया है। देवदास और पारो की तरह पहली मुलाकात में उनके प्यार का भी फूल खिल गया था। जैसे मगधीरा में रामचरण और काजल के बीच एक करंट पास हुआ था, ठीक वैसा ही करंट इन दोनों में भी पास हुआ था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये दोनों मिले और उसी वक्त बिछड़ भी गए। इतनी सी ही लव स्टोरी है मेरी सहेली प्रिया की। तब से वो बस में, ट्रेन में, सिनेमा हॉल में, हर जगह पर जहाँ लड़का दिख जाए उसका हाथ पकड़ के ये देखती है कि करंट पास हो रहा है या नहीं। उसे शोले का रामलाल मिले तो उसका हाथ पकड़ के ये पता करे कि ठाकुर के हाथ में कितना करंट था। उसमें फिल्मी कीड़ा है क्या? संजय लीला भंसाली, सूरज बड़जातिया और करण जौहर की फिल्मों की वो फैन है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ब्लैक में टिकट खरीद के फिल्म देखती है। उसके अलावा इन सब से भी ज्यादा उसे भरतनाट्यम का शौक है। पिछले 20 साल से सीख रही है। उसका सपना है कि मरने से पहले उसे भरतनाट्यम के लिए अवार्ड मिल जाए। इस जन्म में ये नहीं होने वाला। जोक था। चलो प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट ऑफ लक। चलो ना। चलो। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मूवी आइटम, ओडिसी। अरे इतना काम तो कोई स्कैनर मशीन नहीं करती जितना हमारा सुपर हीरो कर रहा है। अंदर
अंदर जाके ये वाला स्टेप मत भूलना, ये लंगड़ी वाला ऐसे, और ये देखो दो उंगली वाला, ये बिल्कुल मत भूलना। जानती थी तुम जरूर आओगे, तुम्हारा टैलेंट मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी, तो फरहान खान को बोलकर मैंने यहाँ पे ही पलक झपकाजा का सेट लगवा दिया। फरहान खान? फरहान खान भैया, फरहान खान जी। शिवा, क्या डांस किया, पूरा स्टेज हिल गया। पसंद आया? चरण स्पर्श, पाय लगूं? आग उखाड़ेगा क्या? प्रिया और मुझे तो तुमने बहुत इम्प्रेस कर दिया सच में। अब देखते हैं जजेस क्या उखाड़ लेते हैं तेरा। ओके गुरुजी। पहले किससे पूछूं? प्यार चोपड़ा से पूछिए ना। चल बोल मैं बुढ़ाऊ। अरे नंगे लाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? घड़ो सुठो मचावी क्यों खूब भलो, बुढ़ा बिकाऊ नहीं है, ही इज नॉट फॉर सेल। सर ने बहुत सड़ा हुआ मुंह बनाया है। बड़ा ही भद्दा और बेहुदा डांस था। मिस्टेक क्या थी चरण जी, कर क्या रहे थे तुम? हाँ डांस कर रहा था। डांस का मतलब पता है? तुम्हें ज्ञान चाहिए दीजिए। कबड़ी 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 कितनी बार है? चार बार, इसे चतुषी कहते हैं। तुमने तीन बार किया, चौथा क्या मैं करूंगा? चलो गलती माफ की, बीच में क्या रायता फैलाया? कौन से फॉर्म में गुरुजी? तुम क्या समझते हो मुझे डांस नहीं आता? केले के साथ क्या किया? केला खा लिया। खा लिया? झूठ मत बोलो, तुमने केला फेंक दिया और छिलका निगल लिया। नहीं नहीं, मैंने केला ही खाया था। तुमने छिलका ही खाया? टेस्ट केले का था। फिर बहस कर रहा है, ये मुझे झूठा साबित करना चाह रहा है। तुमने रिकॉर्ड तो किया है ना, इसे दिखा दो। ओके मास्टर। ये केला था? सॉरी मास्टर जी। सॉरी केले को बोलो, पैरों से ज्यादा तुम्हारी जीभ चलती है ना, अभी तुम्हारा कभी खुशी कभी गम निकालता हूँ। तुम खुद को एलिमिनेट समझो। रुको। चरण शोहर जी, इसे एलिमिनेट करोगे क्या? ये तो एलिमिनेट होकर रहेगा। और इसे एलिमिनेट करने की वजह बता सकते हो? वजह? इसने केला फेंक दिया और छिलका खा लिया, ये कभी डांस क्लास गया ही नहीं। लेकिन कई फ्रूट्स के छिलके ये ही नहीं सब लोग खाते हैं। जैसे कि आलू बुखारा। लो कर लो बात। तो हम क्या छिलके खाकर इतने बड़े डायरेक्टर बने हैं? तुम जरूर नारियल का छिलकर खाते होगे। एक मिनट चरण जी, आपको केला पसंद है तो आप केला खाइए, छिलका उतार के। इसे छिलका पसंद है तो छिलका खाने दीजिए। आई लव यू शिवा। थैंक यू सर। तुम्हें भी ज्ञान चाहिए। ये कैसा लगा? वाहियात। वाहियात तुम हो। आई लव यू शिवा। हमने आग लगा दी, छा गए तुम। निकलेगा मतलब निकलेगा, समझ लो। सुनिए, ये पैसों के लिए झगड़ा करते रहते हैं, टेंशन मत ले। कैमरे में जाके वोट मांगो। ये नहीं कर सकते फरहान जी, करेंगे तो जाओ किसी और को पकड़ो। मेरा पेमेंट। अगर आपको केला फेंकना अच्छा लगा हो तो BOOKUDU लिखकर इसे महेश बाबू को 1-to-1 पर भेज दीजिए। ये मुझे पैसे चाहिए। तुमने जो किया उसे तुम डांस कहते हो? नहीं, तुमने डांस करते हुए तस्वीर बनाई थी ना? जी गुरुजी। हाँ? दिखाओ कौन सी तस्वीर थी? वो प्रिया की तस्वीर। प्रिया की तस्वीर? ये प्रिया की तस्वीर है? सॉरी गुरुदेव। चरण जी, आप इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकते हैं? कौन सा धोखा? आपको इस तस्वीर के पीछे की स्टोरी दिखाई नहीं देती? ऐसी स्टोरी? आपकी फोटो को प्रिया की बता रहा है। सिर्फ मेरी ही नहीं, अगर आपकी भी बनाई जाती तो इससे अच्छी नहीं बनती, पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे पिताजी बंदर थे, तुम्हारे दादाजी बंदर थे, यहाँ तक कि मेरे पूर्वज भी बंदर ही थे। इस नजरिए से इसने प्रिया की जो तस्वीर बनाई है बिल्कुल सही है। आई लव यू शिवा। थैंक यू सर। गिव इट अप। थैंक यू। अगर तुमने जरा सी भी इंसानियत है तो इसे एलिमिनेट मत करो। समझ इसका गया, हौसला समझ बढ़ाओ गया। प्लीज। सुपर्ब शिवा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू शौहर जी, आई लव यू। अरे कहाँ ले जा रहे हो, खारू मेरा वेट कर रहा है। प्रिया, मैंने उन अनपढ़ गवारों के लिए कथकली कुचिपुड़ी नहीं किया, तुम्हारे लिए किया। तुम्हें भरतनाट्यम सीखने के लिए 23 साल लग गए, मैंने 23.5 सेकंड में सीख लिया।
इन 23 सेकंड्स को बर्बाद मत होने दो। मेरे दिल की बारीक से बारीक नसों में भी लहू बनकर दौड़ रहा है तुम्हारा करंट। बाय प्रिया। शिवा, हा? वो तुम ही हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ चले गए थे? I love you, शिवा। Ever ready, बन गई एडी। इन पेपर का क्या करोगे? पीने के लिए पानी ना हो तो हम मिनरल वाटर खरीदते हैं, नहाने के लिए पानी ना हो तो हम परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, और धोने के लिए पानी ना हो तो हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इतने? इनकी जॉइंट फैमिली है, घर में 45 लोग हैं। चलता हूँ, जोर से आइए। देखिए इनकम टैक्स बचाने का जुगाड़। हाय दादी। हे डूड, 4 दिन से कहाँ घूम रहा था तू? एक अमीर लड़की को पटाने की कोशिश कर। जादू। देख बेटा, ये अमीर लड़कियाँ जो है ना, हम जैसे गरीबों के लिए ठीक नहीं है। इन्हें इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है जितना तू समझता है। उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत देर डांस भी किया। कमर अटैक। अरे अरे, क्या हुआ? ऐसी अजीबोगरीब मूवमेंट्स की कि बाथरूम में बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। पिज्जा खिलाओ और मिल्क शेक पिलाओ ना। जस्ट अ मिनट डूड। रामू। रामू? ये है रैम्बो। ये अमेरिकन रैम्बो नहीं, प्यार से रामू कहते हैं। दादी माँ, ये कौन है? देख, अब तू इतने दिनों से लव शो और डांस वांस में बिजी था ना, और मैं यहाँ अकेली पड़ी थी, तो मोहल्ले वाले ने मेरी मदद के लिए इसे मुझे दे दिया। हाय, हमार नाम रामू। रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा। हमार दिमाग तोहरे जैसा खाली। नाइस मीटिंग यू। ये हम का दोस्त। ये रोबो, पिज्जा वापस दे, नहीं तो पगार काट लूंगा। सुन शिवा, जिसकी तू बात कर रहा है उसकी औकात हमारी फैमिली से अच्छी है ना? हमारी फैमिली क्या अंबानी फैमिली है? उनके स्टेटस से हमारी फैमिली मैच नहीं करती। वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने ये डुप्लेक्स झोपड़ा खरीदा? ये पानी क्यों नहीं आ रहा है? शिवा, पी लियो। पढ़ने के लिए? पोछे खाते। हाँ शिवा, इसे पूरा इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्या है इसमें? क्योंकि मुझे भी आ रही है। और हमका भी हल्का होना है। तू भी हल्का होता है? ये कैसी जिंदगी है जो पेपर के सारे कटे। मैं 30 सालों से कॉर्पोरेटर हूँ, मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई? साले कौन है भी तू? सीरियल किलर हूँ मैं। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे इलाके में लोग पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी जेब में 6 रुपए पड़े हैं, चाहो तो वो तुम ले लो, अगर वो कम लगे तो दूसरी जेब में सुपारी पड़ी है वो ले लो। बहुत हो गया, रिश्वत रिश्वत रिश्वत। शायद तुझे अंदाजा नहीं कि मैं रिश्वत देने वाले को कौन सी सजा देता हूँ। कौन सी देते हो? एक ही सजा, सास बहू की इमोशनल रोने धोने वाली सीरियल दिखाता हूँ, तुझे देखनी पड़ेगी। बिना पलक झपकाए देख वहाँ। पलक झपकाए तो पता है क्या होगा, पहले एपिसोड से दोबारा दिखाऊंगा। ए निकम्मी बहू, जल्दी इधर आ। जी बोलिए सासू माँ। जवाब देती है? चल मेरे लिए कप कॉफी ला। चल जा। भगवान जी, आपने मेरी किस्मत में ऐसी सास क्यों लिखी? काम के मारे। सासू माँ कॉफी। मनोज बहू, तूने मेरा इतना महंगा जहेज का कप तोड़ दिया, तेरे हाथ भी नहीं टूट गए। चल इधर आ, ऐसे ही मेरा कीमती सामान छोड़ती रहेगी, तुझे अकल नहीं आने वाली है। इधर आ, अभी तुझे चला रही हूँ। मुझे चटके लगे ये पहले क्या कर रही है? नहीं नहीं, दोबारा मत चलाना, मैं ऐसे और नहीं झेल सकता। ए निकम्मी बहू, जल्दी इधर आ। जी बोलिए सासू माँ। जवाब देती है? चल मेरे लिए कप कॉफी ला। चल जा। नहीं 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 नहीं। भगवान जी, आपने मेरी किस्मत में ऐसी सास क्यों रखी? आज के बाद अगर किसी माई के लाल ने रिश्वत दी या रिश्वत ली तो चैनों से सास बहुत दिखा कर मार डालेगा। अला, इसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, सीरियल मेकर है। मैं चलता हूँ। बॉस जी, ये खाना मेरा नहीं रहा, मेरी सुनता ही नहीं। हमारे कारपोरेटर कदम के ऊपर किसी ने बेरहमी से कदम रख दिया। अरे बाप।
अरे सर, हमारी बेटी। क्या बोला? मेरा मतलब आपकी बेटी, वहाँ देखिए। शिवा, मेरे डैडी। तुम टेंशन मत लो, मुंडी इस तरफ रखो और सुरक्षा कवच पहन लो। ये तो हमारे ड्राइवर के साथ होनी चाहिए, ये दूसरा ड्राइवर कौन? हेलो हेलो, क्या तुमने प्रिया को उठाया? अरे नहीं सर, मैं कितने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि उसे उठाऊं, मगर वो मेरे प्यार में गिरती नहीं है। ए, कथे, मैं पूछ रहा हूँ उसे कॉलेज से उठाए कि नहीं? नहीं सर, मैं कॉलेज के बाहर वेट कर रहा हूँ, वो अंदर से आई नहीं रही है। सर वो लोग जा रहे हैं। सर, हमारी मिसेस का फोटो। मतलब वो गलती से मेरे हाथ से गिर गई। कांता राव सर, इसको हमारे गेस्ट हाउस में शिफ्ट करा दो। इस फोटो को ना, इसको। याहू, मैंने साहब को फंसा लिया। जॉब सेटिस्फेक्शन इनको, जेब सेटिस्फेक्शन इसको, और डिससेटिस्फेक्शन सिर्फ मुझे। हम लोग एक गेम खेलें? क्या? 5 मिनट के लिए हम लोग अपने कैरेक्टर बदल लें। मतलब? मतलब तुम राज बन जाओ, मैं सिमरन। ठीक है, मजा आएगा। तो चलो खेलते हैं, स्टार्ट। सर कॉफी? तुम्हें मालूम नहीं कॉफी 1 मिनट के अंदर आनी चाहिए? सॉरी सर, बहुत सॉरी। कमर लचक जाएगी। आई लव यू। हाय डैडी। प्रिया। क्या हुआ डैडी? नो, अब तुम डैडी हो और मैं प्रिया हूँ। डैडी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। कॉन्ग्रेट्स बेटा, तुम मेरी बेटी हो, तुम जो भी करोगी ठीक ही करोगी। कांता राव। यस सर। इसे 10,000 रुपए दे दो। ये लीजिए सर। नहीं नहीं, देखो प्यार मोहब्बत में बहुत खर्चे होते हैं, ये रख लो। नहीं 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 नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ही सारा खर्चा करता है, मुझे नहीं चाहिए। देखो तुम अभी छोटी बच्ची हो, हाथ में पैसे रहे तो घूम जाएंगे, जल्दी से बैग में रख लो। सर मैं पिछले साल से 10,000 रुपए मांग रहा हूँ हेयर कटिंग के लिए। 10,000 का हेयर कट? अरे शेव भी करवा लेना, तुम 25 ले लो। अरे लुट गए मैं। सर हम भी बोनस ले ले। अरे बिंदास ले। अरे प्रिया। डैडी, प्रिया तो आप है ना? प्रिया, ये खेल हमें रोज खेलना चाहिए। सर, लड़की रोते हुए अपने कमरे की तरफ गई है, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। प्रिया, प्रिया, दरवाजा खोलो। बस हुआ ड्रामा, अब तुम हो प्रिया और मैं हूँ डैडी, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे। ए, पर टाइम पास कैसे करोगी? नो आइडिया। देन गेस्ट आइडिया, आइडिया 3G, भूख लगी तो फोन कर देना। दूसरे नंबर पर फोन करो ना। हेलो शिवा। कपड़े पहन कर नहाओ ना, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मजाक मत करो, डैडी को कांड के बारे में पता चल गया। कांड? तुमने हमारी MMS वाली वीडियो बनाई और उसे नेट पे डाल दिया? मैं अपनी लव स्टोरी की बात कर रही हूँ। डैडी ने तुम्हें जान से मारने के लिए गुंडे भेजे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है, मेरी डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज नहीं। मम्मी बचाओ, मर गई हूँ।
एशियन पेंट्स आपकी दीवारों को सजाए और गुंडों से बचाए। वो है क्या? अरे चाचा, तुमने किसी लड़के को देखा क्या? मैं लड़के नहीं देखता, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं। लड़की गिरी बंद कर और मुद्दे की बात कर। वो लड़का जिसने काली शर्ट पहनी थी वही ना? ए, जितना पूछा उतना जवाब दे, खुसर बुड्ढे। वो अंदर गया है गेंडे। ए, इसे यहाँ खुले में मत मार, पहले उसे मारते हैं, बाद में इसे बुला लेंगे। एशियन पेंट्स सिर्फ घर नहीं, आपका शरीर भी बदल दे। बॉस, मेरे को जोकर आया। नहीं बे, राजा आ गया। इससे बंगा मत लेना, इसने मुझे चंदा बाबा के पास भेजा था, 3 साल बाद अभी लौटा हूँ। अपनी भलाई चाहते हो ना, निकल लो यहाँ से। निकलो निकलो। इसके बातों में मत आना, ये कॉमेडी हीरो है, इसको तो एक्शन का ये भी नहीं पता होगा। लुको। दुनिया में जैसे ही चपुन ने एंट्री लिया, हॉस्पिटल को मूत के शुद्ध कर दिया। साइकिल चला के हुआ हूँ बड़ा, सोच लो किससे पाला पड़ा। हॉलीवुड को पूछता नहीं, बॉलीवुड अपन को जमता नहीं। लुखे गिरी से खुश हूँ भाई, इसके पंच में भी पंच है, ऐसे पंच तो घातक में भी नहीं थे। अरे चलो उसको मस्का मारते हैं। सॉरी सनी भैया, अब हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सब करना पड़ता है, वरना मैं तो ग्रेजुएट हूँ। अगर सेठ जी आपसे पूछे तो बोलना कि मैंने आपके कुत्ते की तरह धुलाई की। संभाल लेना भाई। गुड गुंडा। आपका भला। प्रियतमा, प्रिया, प्रिये! अरे क्या बे, तुमको बेडरूम और बाथरूम में फर्क नहीं पता क्या? शादी की रात कुछ और मत खोल देना। उसकी पहले से मुझे नेट प्रैक्टिस है। तू प्रैक्टिस ही करता रह जाएगा, फाइनल कभी नहीं खेल पाएगा। जा, अरे मुझे जोर से आई है। प्रिया, प्रिया, वाओ प्रिया। शिवा, यहाँ से चलो। अगर आपको मारना है तो पहले मुझे मारिए। मुझे भागने दो। अरे बाप रे, तीर कमान, मैं तो बाथरूम में ही ठीक था। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं इसका दुल्हा क्यों नहीं बन सकता? अमा के ठू वजह बताओ। तो शॉन, अपनी हैसियत देखो और हमारी देखो। तुम कुएं में रहते हो और हम आसमान पर रहते हैं। तुम्हारे पास बैलगाड़ी भी नहीं है, हमारे पास औड़ी है। बस बस बस, 3 वजह क्यों बताई? मैंने एक ही पूछी थी। आप पैसे के लोभी हैं। सुनिए मिस्टर छोटेश्वर राव, मैं आपसे ज्यादा मालदार बनूंगा। एक बार सेंसेक्स चढ़ जाए, पिछले साल ही 15 रुपए के शेयर खरीदे, वो सारे शेयर मैं इसके नाम करूंगा। बीवी करोड़पति, मैं उसका पति। जान मेरा ये फूल तेरा मेहमान। रामलाल ठाकुर, हमको एक कॉफी दे दे। पैसा कमाने के लिए इंसान के पसीने छूट जाते हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उड़ जाता है, लेकिन हमारी फिल्म सुपर है और हीरो सुपर हीरो। देखा चाय आने के पहले कैसे हमारा हीरो अरबपति बन गया। किसी ने देखा तो नहीं? सर काफी। कॉफी से पहले ही आ गया। हेलो बम्बानी, कौन? मुकेश बम्बानी,
Bro, I don't do deal below 100 crores. Don't disturb me, यार. सुन मुकेश, पहले तू अनिल से लड़ना झगड़ना बंद कर. अच्छा नहीं लगता इससे धंधे पे फर्क पड़े छे बापू. दामाद जी. यस, बोले ससुर जी. लंच तैयार है, खा के जाइए. लंच लंदन, स्नैक्स स्विट्जरलैंड, चाय बिहार, डिनर दुबई. ऐसा लगता है कि पार्टी मंगल पे जाके करेगा. hey! सब कैंसिल कर दो. ठीक है ससुर जी, रात का खाना ऑर्डर कर दो, डिनर साथ में करेंगे. सर सर सर, अगर पीए की पोस्ट खाली हो तो. पीए नहीं, पीए की पीए पोस्ट खाली है. पीए का पीए, मैं यही ठीक हूँ. बाय गुलाबो. बाय जानू. जाने से पहले फूल तो दे दीजिए. अरे वो मैं दे दूंगा. देखो क्या है, कान में डाल के गया गुलाब का फूल. मेरा नाम. अगर गला खराब है तो कुछ गरम क्यों नहीं लेते? मैं जिंदगी में दो बातें कभी मत भूलना टकले, बाल लंबे मत करना और कब सिर्फ पास रखना. तुम बहुत लकी हो, बाल तुम्हें है नहीं और जिंदगी तुम्हारी बची नहीं. पर मेरी गलती क्या है? एक हो तो बता. चमनगंज, बेगमगंज, अफजलगंज, वहाँ की पाइपलाइन तोड़कर पीने का पानी चुराया. कितना बड़ा लोचा किया रे हौले. पूरा दिन मेहनत करके माँ बाप अपने बच्चों को दो ग्लास दूध देना चाहते हैं, उस दूध में भी तूने मिलावट की. और पूछता है कसूर क्या है? मैं तुम्हें छोड़ दूँ ये हो नहीं सकता. और तुम मुझे छोड़ो ये होने नहीं दूंगा. अब नहीं करूंगा, मैं मानी छोड़ दूंगा. तू छोड़ेगा लेकिन जिंदगी. तुम्हारे दूध में मिलावट की. इसे मार दो, जाओ. तेरे फिर मेल भैंसिया मारे अखियां. आज के बाद अगर तबेले में एंट्री चाहिए तो जाओ उसे मार के आओ. जानवरों की तरह खड़े मत रहो. नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा. लैपटॉप. इस वीडियो को देखो, 1 करोड़ लाइक्स मिले हैं. तुम्हारी बिरादरी वालों का ये वीडियो वायरल हो चुका है. लगता है पागल है, भैंसों को फिल्म दिखा रहे. ये कॉमेडी का सर्कस है क्या? जाओ बदला ले लो. बस करो, अब और मत हंसाओ. अब मुझसे आता नहीं जाता. अपने खानदान का नाम रोशन नहीं करना चाहती हो? तुम अनाज खाती हो या भूसा? चूड़ियां पहनी है क्या? भैंस का तो बस एक बहाना था, तुझे हंसा हंसा कर मारना था. तू दिल से हार्ट पेशेंट है, जानता था बुरी कॉमेडी सह नहीं पाएगा. तू नहीं बचेगा, तूने मुझे लाफ्टर अटैक दिया. अब बॉस जी का काला साया तुझ पे बढ़ रहेगा. नर्क लोक में आबादी बढ़ गई. बॉस जी, एक सनसनीखेज खबर लाया हूँ. किसी ने हमारे पुराने पंटर पांडू को बड़ी रहम दिली से टपका डाला. सब लोग आ चुके हैं, शुरू कीजिए. जी शुरू कर. तुम सर्वेंट हो गए, इतना क्यों शर्मा रही हो? हमारी बेटी को शर्माने दो. अरे अरे क्या कर रहा है? अरे बेटी, दामाद जी की तरफ देखो तो तरह. नहीं दादी, शर्मा रही है. शिवा, तेरा माल. अरे ब्रो, पहले देखो हाथ किसका है. सॉरी ब्रो, शर्म शर्म में पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारा हाथ चबा रहा हूँ. शर्म. श्री 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 महोदय, कोटेश्वर राव की इकलौती सौभाग्यवती बेटी गुणवंती कुमारी प्रिया की शादी. अरे दामाद जी के पिता का नाम तो बताइए. दामाद जी, अपने पिताजी का नाम बताओ. पिताजी का नाम लगता है एक का भी नाम याद नहीं. ए तू चुप कर. दादी, यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ रहा है और तू मेरे मुंह में स्वीट डाल रही हो. बर्थ सर्टिफिकेट में तुमने मेरे पिताजी का नाम क्यों नहीं डाला? बता उनका ईमेल आईडी क्या है? अरे तूने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं. तू हिंदी फिल्में नहीं देखता क्या? तेरे गले की चेन में एक लॉकेट है, देख उसे. दादी माँ, मेरे पिताजी मुझ पर गए हैं. तू उन पर गया गधे. दादी माँ, इन दोनों में से मेरी बर्थ माँ कौन सी है? कैसे रीति रिवाज है शादी के भी? इंग्लिश में कहावत है ना, ऑलवेज कीप लेफ्ट. इसलिए कीप लेफ्ट में और तेरी बर्थ मार राइट में. यानी तवाया? हाँ, तेरे बाप का एक से कुछ नहीं होता था, इसलिए दो दो रख ली थी. अच्छा दादी माँ, हमारा गांव कौन सा है?
दादी झटका क्यों लगा? दादी माँ आपकी वायरिंग दिखाई दे रही है, क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? नहीं, तूने गांव का नाम पूछा ना इसलिए खून दौड़ने लग गया। सीमापुर। दादी माँ मरने जा रहा हूँ अपने परिवार को ढूंढने, मरने आशीर्वाद आपको। असली माँ से ही मिलना। जता पहला बेबे हाथ डांडिया ने गर्भा थी जाए। और सगाई का क्या? अब ये सगाई होल्ड पे। दामाद जी हाई फाई। उसने अनजाने में पूछा। आज उसने अनजाने में पूछा, कल आप जान पूछ कर पूछोगे बस। और इज्जत की बेइज्जती नहीं। अब सगाई तभी होगी जब मैं अपने पिता को इस घर में लेकर आऊंगा। तब तक आप फ्रूट्स उठाकर फ्रिज में रख दीजिए। और कब खाओगे? आकर खाऊंगा। मेरा क्या? शिवा मैं रेडी हूँ। Come on, let's go. प्रिया किसके साथ भाग रही हो? हीरो जहाँ जाएगा हीरोइन भी तो साथ जाएगी। मैं कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन या पिकनिक स्पॉट पर थोड़ी ना जा रहा हूँ। शिवा माँ बाप तो मिलते रहेंगे, पहले मून को जाके हनी तो चटा दे। जा बहु जा। धीरे मैडम को झटके लग रहे हैं। क्या करूं कंट्रोल ही नहीं हो रही। सीमापुर आने वाला है ना, इसीलिए इमोशनल होकर झटके दे रही है। तुम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसे आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें किस करना होगा। अगर कैरेक्टर की डिमांड हो तो मुझे किसिंग सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा भावुक मत हो, तुम्हें लिप किस नहीं करना, लैंड किस करना है। मेरा गाँव। हे, ये क्या कर रहे हो? मेरा शक सही निकला, गोबर ही है। गुरु मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ 5 मिनट तक अपने कदम यहाँ से मत हिलाना। गुरु न्यूज वाले को लाने जा रहे हो? ये धमाकेदार खबर है ना कि मैंने यहाँ कदम रखा। सूबेदार निकलने यहाँ से। अबे ढक्कन, तेरे कदम लैंड पर नहीं है, लैंड माइन पर है। ये तो लैंड माइन है। अरे सूबेदार। हेलो 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 प्रदीप, तुमने मुझसे आई लव यू कहा था ना? मैंने तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मेरे इरादे बदल रहे हैं। चालू माल, अभी मैं फटा भी नहीं और एडवांस बुकिंग भी कर ली। कोई है जो मुझे फटने से बचा सके? कोई है जो मुझे फटने से बचा सके? फटने से बचा सके? फटने से बचा सके? क्या झोल है? एको के बाद मेरी आवाज़ बदल क्यों गई? ये तुम्हारी आवाज़ नहीं है, कोई और तुम्हारी तरह चिल्ला रहा है। बॉस मैं हटा तो बम फटा, प्लीज आकर मेरी मदद करो। 2 दिन तकलीफ होगी फिर अच्छा लगेगा। वो कैसे? 2 दिन से मैं 2 नंबर 1 नंबर यही कर रहा हूँ। जिन हाथों में आकर बम भी फटने से डरने लगे, जिसकी हिम्मत देखकर जी भी फटने लगे, वही हमारा कर्ता धरता है जो हमें बचाने आया है। An idea can change bomb time. What an idea, Sergei! क्या हुआ बे? बीपी बढ़ गया क्या? बीपी 200 होना चाहिए, अगर 600 होगा तो ब्लास्ट तो होगा ही ना। दसरी उठाओ, इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन लगाने के 1 घंटे के बाद में चारा खाना। चारा? हाँ। तू जानवरों का डॉक्टर है क्या? तो मुझे इंसानों का डॉक्टर समझ रहे थे? अरे वो मेरा भाई है, हम जुड़वा भाई है। वो इंसानों का डॉक्टर, मैं जानवरों का। मैंने तुम्हारे आदमी को समझाया था लेकिन जबरदस्ती उठा के लेके आया मुझे। अब आ ही गया हूँ तो टांग उठाओ, तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ। बहुत से जानवर मेरा इंतजार कर रहे हैं। रुको मैं आ रहा हूँ। चड़िक चड़िक चड़िक। क्या कहा? भैंसा हूँ क्या मैं? इधर आ साला तेरी। ओ उल्लू के पट्टे भैया, चल आके इसकी तशरीफ उठा, मैं इंजेक्शन देता हूँ। नहीं सर, दे जा। अबे उठा बे। मेरे लिए तू भैंसा MBBS लाया था ना? भैंसे का क्या हाल होता होगा तू भी तो देख। अब तबड़िक 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 करते हुए जा और किसी पढ़े लिखे MBBS तांत्रिक को लेकर आ। चल अब निकल बे। चिल्लाया काइकू, मेरी जिंदगी आपके एहसानों के पैरों तले दबी है। अब तो मेरा जीना और मरना सिर्फ आपके लिए। रहने दो ना शिवा, फ्री में हमें छतरी पकड़ने वाला स्पॉट बॉय मिल गया, एंजॉय करो। प्रभु आप यहाँ आने की वजह बता सकते हैं?
बस इसलिए मैं आ गया। फिल्मों की तरह फ्लैशबैक नहीं दिखाओगे प्रभु? फ्लैशबैक बहुत लंबा है और समझने के लिए तुम्हारी अकल छोटी। समझ गया प्रभु, आपकी माँ भी यही पुकार रही होगी कि मेरा करण जरूर आएगा। चुप हो जा, सीमापुर का होकर जान पे हाथ क्यों नहीं मारेगा? हाथ मारने से जान दुखती है माँ। जान दुखती है और पीठ भी दुखेगी। ये ले, ये ले, ले और ले। सीमापुरम इंग्लिश माध्यम स्कूल। पधारिए प्रभु। वेलकम सर, वेलकम। माई सेल्फ इज किशोर दास। अरे वाह, पुतला भी अंग्रेजी बोल रहा है। प्रभु ये पुतला नहीं बोला, ये टकला बोला। आई एम द हेडमास्टर ऑफ बैक स्कूल। मास्टर जी, ये यहाँ के ओनर हैं क्या? नहीं, स्टेशन मास्टर है। उन दिनों इस गांव में रेलवे स्टेशन नहीं होता था, इन्होंने पूरे गांव को ही रेलवे स्टेशन बना दिया। इनके जान पे हाथ मारने से ही ट्रेन रुकती और चलती थी। एक दिन ट्रेन रोकने के लिए ट्रैक के बीच में खड़े थे, इन्होंने टांग उठाई और अपने जान पे हाथ मारने वाले थे कि इनकी कमर में मोच आ गई। फिर क्या हुआ? ट्रेन ने शहीद कर दिया। हमने इनकी सुनहरी याद में ये सुनहरा स्कूल बनवाया और किताब में इनकी कहानी भी छपवाई। हम यहाँ जांग ठोकू डिग्री देते हैं। लगता है इनको जांग ठोकू डिग्री प्राप्त हो गई और ये गांव वालों को ठोकने जा रहे हैं। मैडम, क्या आपको जांग पे हाथ मारना आता है? नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी जांग अच्छी दिख रही। क्या आप एक घंटे का जांग ठोकू कोर्स करेंगे? इसके साथ सारे कोर्स मैं कर लूंगा। टेल मी गूगल बाबा प्लेस वेयर। शो मी कांचा रेडी का दुश्मन वेयर इज। तुम्हारा दुश्मन इस गांव में एंट्री ले चुका है। अरे चलो, स्टॉप योर कदम। कहाँ फेस उठा के मूव लिए? उसे मारने के लिए स्वामी जी। यू नो हाउ ही इज लुकिंग। इससे मत कहो, ये तो इंसानों की जगह जानवरों का डॉक्टर ले आता है, गधा है ये। तुम्हारे दुश्मन का कोई सेल्फी फोटो है तुम्हारे पास? नहीं 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 है, पर उसके पैदा होने के पहले की तस्वीर है मेरे पास। बस मेरे लिए वही मोर है। टेल गूगल बाबा फास्ट। अपने बाप पे ही गया है, अब जाके मुझे यकीन हुआ। मतलब तुम आज तक मुझ पे शक कर रहे थे? शक ही कहीं के? कंफर्म कर रहा था। इससे पहले कि ये लोग उसे पकड़ ले, हमें जाकर अपने बेटे को पकड़ना होगा। चलो जल्दी। अरे क्या इसको इतने गौर से देखे जा रहे हो? क्या इसमें गूगल बाबा की कृपा से जो इसमें है वो तुम भी देखो मूर्ख। बाबा 25 सालों से अपनी माँ से अपने बाप के बारे में पूछ रहा हूँ, बताती नहीं है। ये मेरी फोटो लीजिए, बताइए कि मेरा बाप कौन है। ए गूगल बाबा, मेरा बाप कोई टाटा या बिरला या अंबानी ही होना चाहिए। कौन सा इधर? देखिए औलाद, 25 साल बाद अपने बाप को ढूंढ के क्या करेगा बे? जायदाद से हिस्सा लेगा क्या? जल्दी से जाके पकड़ के लेके आए इसको। ए चलो रे। गूगल तो सच उगल देता है। बाबा बाबा, हड्डी बड्डी और एक्सेल चड्डी एक हफ्ते से गायब है, जरा देखिए तो सही कहाँ है वो। जय गूगल बाबा की, हड्डी बड्डी एक्सेल चड्डी कहाँ है? बाबा गूगल टेल इन बैंकॉक ही इज अप्लाइंग टेल। बैंकॉक में? किसका फोन है रे? टकले भैया का फोन है। अब क्या करें? हेलो भैया। कहाँ है तू? हम लोग तपती गर्मी में रेगिस्तान में है, उसे ढूंढ रहे हैं भैया। ये गूगल तो कह रहा है कि तुम बैंकॉक में मालिश करवा रहे हो बे। गूगल बोलने भी लगा है, साला जलता है। ऐसा नहीं है भैया। चुप कर बे, जिसे तू ढूंढ रहा है ना वो खुल्लम खुल्ला हमारे गाँव में घूम रहा है और तू मेरे फोन काटने तक यहाँ नहीं आया ना, तो मैं तेरा सैंडविच मसाज कर दूंगा। नहीं 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 भैया, मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। सैंडविच मसाज देने की बात करता है, वड़ा पाव मसाज देने के लायक भी नहीं है। सुनो, कंचना रेड्डी के आदमी आ रहे हैं, चलो छुप जाते हैं। चलो गाड़ी में बैठो। बिना पैसों के कोई काम मत करना। शिवा, इन पर चिल्लाओ मत, ये मेरी गर्दन पर चाकू रख सकते हैं। मुबारक हो, तुम्हारे पास तो दिमाग है। चलो बैठ। चलो चल अंदर बैठ। अन्ना, इन्हें यहीं पर मार दे। अपने घटिया आइडिया अपने पास रखा कर समझा। सीमापुर के रूल के मुताबिक जब तक ये लोग घर की चौखट पार नहीं करते, हम इनकी गर्दन नहीं काट सकते। अबे चक्का जाम हो गया क्या? कौन है तू? जाफर। जाफर जाफर
जाफर थाई, प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ जाफर होता है। ए, इस जाफरानी पत्ते को उठा रे, सालों कोयते की धार चेक करने के काम तो आएगा। ए, मेरा नाम सुन के तो मौत की भी सुसू निकल जाती है। तुम लोग क्या चीज पनीर हो? इसने क्या दिखाया प्रभु? जरूर कोई सामान दिखाया होगा। अबे भागो रे! तुम मत देखो। एक छोटे बच्चे की यूनिफॉर्म देखकर वो भाग क्यों गए? सीमापुर के रूल्स के मुताबिक किसी को भी यहाँ बच्चों और औरतों को छोटा या बड़ा कोई भी हथियार दिखाने का अधिकार नहीं है। अंडरस्टैंड? लेकिन असलियत में ये फायर ब्रिगेड का बड़ा पंप है, इसे जाने मत दो। सर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरा तन मन धन आपके नाम हुआ, जैसा चाहे इस्तेमाल करो। फ्लो में मुंह से निकल गया, शक्ल से ये शौकीन लगता है। लग गई। गेट अप। मेरा कड़क दिल पिघल गया। तुमने कहा जो चाहिए मैं दूंगा सुनकर मैं खुश हुआ। तुम्हारी प्रॉब्लम की गहराई समझ गया, तो अब से हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। धन्यवाद स्वामी जी, मंडल आभारी है। हैं? ये तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, एक छोटा सा आदमी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आया और उन्हें बचा ले गया। मतलब ये कि उसकी हार्ड ड्राइव में सीमापुरम के सीक्रेट इंस्टॉल है। भैया, हमारे घर से दो नौकर गायब है, ये मास्क और सीडी उनके कमरे से मिले हैं। पिछले 25 सालों से मास्क पहन के हमारे घर में रह रहे थे बे, हमारे नमक खा के हमें उल्लू बना रहे थे। और लल्लू भी। ये मेरे हाथ में उनकी फैमिली सॉन्ग की सीडी है और इसी सीडी से वो लोग मौत की सीढ़ी चढ़ेंगे बे। लगता है बसंती का घर है। प्रभु, आपको कैसे पता चला? प्रभु, वो देखना, धन्नो अपने शोहर के साथ खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि ठाकुर साहब उठ गए। चलो अंदर चले। ठाकुर साहब, ठाकुर। ठाकुर साहब। रामलाल, मेरा नाश्ता लेकर आओ। ए, ये मेरी बहू के साथ क्या कर रहा है ये? इसे मैंने अपनी बेटी की तरह रखा है, तू इसके विधवा होने का फायदा उठा रहा है, अब तू ही इससे शादी करेगा। ठाकुर साहब, मंगल सूत्र पहना। ये प्यार मैं करता हूँ, मंगल सूत्र तू डालेगा? अब नहीं डालूंगा तो ठाकुर साहब मुझे डाल देंगे। डालेगा तो ये मुझे मार देगी। लगता है कुछ करना पड़ेगा। पुलिस, पुलिस, पुलिस। लो आ गई भैंस, यह है बसंती, इस गांव की जान। वो कौन था? पुलिस वाला था, तू कौन है? ये दो कौड़ी का नौकर है, पहना मंगल सूत्र। जानू तुम? क्या जानू? इतने साल से कहाँ थे? तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पहली बार आए हो, यहाँ तो पहले से अकाउंट है। प्रिया, लगता है मोहतरमा को कोई कंफ्यूजन है। इतने हैंडसम मर्द के लिए कोई कंफ्यूजन हो सकती है क्या? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। कल्पेश, अबुल, रवि, कुछ तो झूले। तुम मुझे कल्पेश समझ रही हो ना? कल्पेश मेरा बाप है, मैं उसकी सगी औलाद हूँ। तुम कल्पेश के बेटे हो? बेटा। छोटी माँ। चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो मार्केट में मेरी बदनामी हो जाएगी। पहले बताओ मेरी फैमिली कहाँ है? मैं भी तेरा फैमिली मेंबर हूँ बेटा। खामोश। माँ हो, बेटी हो या बहन, इंसाफ होकर रहेगा। एक फैमिली में दो लोगों के बीच तोता और मैना जैसा रिश्ता होना चाहिए, ना कि तोता और बाज जैसा। ये तो होश खो बैठे, एनेस्थेशिया दिया क्या? नहीं, असल में इन्होंने पूरे गांव को तड़ी पार कर दिया है। तड़ी पारों ने गांव के बाहर दूसरा गांव बसाकर इन्हें तड़ी पार कर दिया, तभी से बैजू बावरा बने हुए। मैं तो अपने बिजनेस के लिए यहाँ रुकी हूँ, वरना मुझे इनसे क्या मिलेगा? मतलब तुम इनकी बिजनेस पार्टनर हो गया? मैं इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? छोटी माँ, मेरे अब्बा का पता है आपको? ना बेटा। हाँ, कभी कभी फेसबुक पर मैसेज आते थे, चेहरा देखे तो जमाना हो गया। पर तुम एक दिन आओगे वो ये जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे फैमिली सॉन्ग की सीडी दी थी। मैं भी लाती हूँ। ये मेरे आशिकों के फैमिली सॉन्ग की सीरीज है, पर कल्पेश कहाँ है? ये रहा, ये लो बेटा। छोटी माँ, डीवीडी प्लेयर मिलेगा? नहीं बेटा, पर ठाकुर का लैपटॉप है, मैं वो देती हूँ। इतने पिछड़े गांव में ठाकुर लैपटॉप के साथ क्या करता होगा? अरे बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। प्रभु, यहाँ टिकाइए। पासवर्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड।
सच्चाई, इंसाफ, इनकलाब। वॉइस रिकॉग्नाइज्ड। जादूगर की जान पोपट में कैद थी और इसका पासवर्ड सुंदरी के हाथों में। डैडी, माताजी, मैं तो है। सुनो बे, क्या हुआ? वो आ रहा, इधर ही आ रहा है। किधर है मेरी मम्मी? किधर है मेरे पापा? आओ बेटा, आओ, तुम्हारे मम्मी डैडी अंदर ही हैं। अच्छा, जैसे ये पैर अंदर रखे, सिर घर से अलग कर देना बे। कम कम एंटर। रुको कंचना रेड्डी, अब ये बेवकूफ कौन है बे? सीमापुर के रूल्स के मुताबिक हम बच्चे हैं। यूनिफॉर्म नहीं दिख रही, तुम कुछ नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म तो सिर्फ तुमने पहन रखी है बे, इसने ना पहनी है। मुझे ये पता था। कम ऑन शिवा, गेट अप चेंज। कहानी में नया ट्विस्ट। कम ऑन बॉयज, देखा? सीमा के रूल्स के मुताबिक बड़े लोग छोटे बच्चों को नहीं मार सकते, लेकिन छोटे बच्चे छोटे बच्चों को मार सकते हैं। बेवकूफ बुड्ढे, रूल्स के मुताबिक चौखट पार करने के बाद ही तुम किसी को मार सकते हो, ये भूल गए क्या? अबे ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है बे, तेरी समाधि तो मैं यही बनवाऊंगा। जरा एक नजर पीछे भी देख ले। इतनी जल्दी चिता बना दी? ये जो आ गया वो 25 बरस से सुलग रही है मेरे अंदर। मार दो इन सालों। तू मुझे मारना क्यों चाहता है? तेरा प्रॉब्लम क्या है? ये आग 25 बरस से सुलग रही है बे। तुम्हारे सुसु ने मेरे बड़े बेटे की जान ले ली और लाश से छोटे बेटे को कोमा में पहुंचा दिया। मेरी सुसु। वो मैं ही था। अबे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मार डालो इसे बे। ये मुझे दे, छोड़ देना लायक। डारा है, मारो इस पे भी 7 सेंस। वो दिन में एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब एक ही सेंस बची है, कॉमन सेंस। अबे कबूतर की तरह आंखें क्यों बंद की? गर्दन उड़ा देगा। ये कैसे किया? सुसु से फ्लैशबैक देखो। पुलिस को भी इसके मरने की असली वजह बिल्कुल पता नहीं चलेगी। हे, कांचा, स्टैंड अप, उठ कांचा, निकमो, भैया,
एक और इमरजेंसी है। कर दी ना, अब क्या? ये वाली नहीं, वो वाली। भागो! कांचे के कातिल रनिंग है, स्टॉप उन्हें। पैसे लोगे? ये लो, लूटो, लूटो। पैसे की बारिश। शिवा, जल्दी आ। मैं इतने सालों बाद कोमा से बाहर आया तो आप ही हमेशा के लिए कोमा में चले गए पिताजी, मैं अनाथ हो गया। रेडी, तू रोने के लिए कोमा से बाहर नहीं आया है, फिल्म का क्लाइमेक्स तेरे ही कंधों पर है, समझ ले तू। ले पीपल्स डे, मार डाल, कर दे क्रैश हो गया, अब तुम इनके साथ जाके ऐश करना। अरे वो जा रहे, चलो चलो। गूगल बाबा इस क्रैश। चिट्ठी आई है तुम्हारे फैमिली के किडनैपर की। दुश्मनी अब शुरू होती है बॉस। डी कौन है ये डी? रोड पर अन्ना जी का आंदोलन क्यों ना हो, गणपति विसर्जन क्यों ना हो, मैं रास्ता बदल कर दुश्मन को उड़ाऊंगा। जो पूछता हूँ छोटे बच्चे की तरह सच सच बता दे, वरना बिफोर मौत मरेगा, जिंदगी देने वाला डॉक्टर भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बता तेरा बॉस टी कौन है? बॉस टी को नहीं जानता। जानता तो भी नहीं बताता। तेरे दोस्त नर्क में तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरी तत्काल बुकिंग कराऊं? मतलब तूने मेरे तीनों दोस्तों को मारा? तीन नहीं, हरिया चार को। हाँ, वो चौथा तू है। नल बंद कर दो, मैं सिर्फ शनिवार को नहाता हूँ, आज तो इतवार है। मैं 50 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा, करोड़ ले लो। अरे कुछ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए मैं दे दूंगा, बस ये नल बंद कर दो। महाराष्ट्र की बिजली और प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं बाबा। लिया तू, तेरे जैसे बासी के पीछे मैं अपने देश का ताजा पानी बर्बाद नहीं करूंगा। अरे तुझे तो मैं 2% के प्लान से मारूंगा। अब कैसे मारेगा? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? अरे रस्सी तो खोल दे। हाँ? नहीं, नहीं। तेरे जैसे ढीठ को मारने के लिए अमित 3 साल से ये सॉक्स पहने आ चुके। नहीं, 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 नहीं। इसकी बदबूदार खुशबू से तू परमात्मा से मिलेगा। मुझे छोड़ दे मेरे बाप, मैं तुझे बताऊं बॉस डी कौन है। मुठ मारूं, बॉस डी कहां है? बॉस डी? अरे हटा गया, रुको। सर, चूरा मारने वाला गुंडा भाग गया, पकड़ो उसे। बॉस डी बताओ, हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नहीं, हम उसे पकड़ेंगे जिसके पास छुरा है, कानून भी यही है, चलो। वो मिलेगा, यू आर अंडर अरेस्ट। छे, हमारा डायलॉग तो इसने बोल दिया, बेवकूफ कहीं का, अरेस्ट हिम। ये इमरजेंसी मीटिंग कमिश्नर ने क्यों बुलाई है, डीजीपी होने के बावजूद मुझे नहीं पता। कमिश्नर साहब, जरा राज से पर्दा उठाइए। अभी उठाता हूँ। शहर में गब्बर सिंह और लोन रिकवरी एजेंट्स की दहशत बढ़ती ही जा रही है। हम खाकी वर्दी वालों को तो उन लोगों ने जैसे वॉचमैन समझ रखा है। हाल ही में मशहूर कॉन्ट्रैक्टर पीला लाल सिंह, नए शहर के मुगैम्बो और शाकाल को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। जानते हो इन मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है? वो जो भी हो, उसे पकड़ के सबके सामने मैंने मुर्गा ना बनाया तो मेरा नाम मिथुन नहीं, कुछ और रख देना। अरे मिथुन, पहले चश्मा तो निकाल। आंखों में वायरस हुआ। अरे फिर रहने दे, डिपार्टमेंट उस कातिल को गिरफ्तार कर चुका है। मैं जानता हूँ आप सब भी उसे देखने के लिए बेचैन हो रहे होंगे।
लगता कमिश्नर साहब खाली मुंह हिला रहे, कुछ बोल नहीं रहे। मिस्टर वीरप्पन, पहले अपने कान से रुई तो निकालो। उस जावा शख्स का नाम है मिस्टर शिवा मनोहर, आईपीएस, बैच नंबर लूज, मेरा मतलब 35007, गढ़चिरौली में ट्रेनिंग ली। गोल्ड मेडलिस्ट, 24/7 अंडर कवर, मिस्टर शिवा मनोहर, आईपीएस। वेलकम मिस्टर शिवा। तुम्हारी कुर्सी खाली है। एक बात पूछूं, अंडरकवर ऑपरेशन जरूरी है? ये बहुत लंबी कहानी है, बताया तो चाय ठंडी हो जाएगी। आगे की कहानी शिवा बताएगा। हम शहर के एक एक गुंडे का एनकाउंटर कर सकते हैं, पर इससे पुलिस का धब्बा मैला हो जाएगा, इसलिए कमिश्नर अंकल और मैंने मिलकर अंडरवेयर ऑपरेशन की तैयारी की है। तुम्हें लगता है इन चारों को मारने से शहर में क्राइम कम हो जाएगा? उनके लीडर को मारना पड़ेगा, बॉस डी। मतलब बी फॉर बॉल? नो, डी, डी फॉर डेंजर। वो जानता है कि मैं उसके आदमियों को मार रहा हूँ, इसलिए मेरी नैप लेरी फैमिली को उस बॉस जी ने किडनैप कर लिया। जब यह बकरी का बच्चा हेडक्वार्टर तक पहुंच सकता है तो क्वार्टर पिकर कोई भी अंदर घुस सकता है। जब पुलिस ही खुद सेफ नहीं तो दूसरों की रक्षा क्या करेगी, बताइए पुलिस अंकल। बिल्कुल सही कहा शिवा, डी को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें फुल पावर देता हूँ, और हाँ, तुम्हारा प्रमोशन करके डीजीपी बनाता हूँ। कमिश्नर, तुम मेरी कुर्सी की टांगे क्यों तोड़ रहे हो? माफ कीजिए, जुबान फिसल गई, डीजीपी नहीं, डीसीपी। डीसीपी चलेगा सर। कांग्रेचुलेशन सर, आपका मुबारक हो सर। धन्यवाद, बधाई हो। बधाई हो सर। लो वहाँ रख दो। कैसे हो शिवा? बिजी हूँ प्रिया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। पता है तुम्हारे प्रमोशन की खुशी में मैं एक पार्टी दे रही हूँ। कहाँ? यू आर अंडर अरेस्ट रेस्टोरेंट में। यू आर अंडर अरेस्ट। प्रिया, एक इमरजेंसी है। टॉयलेट जाना है? नहीं, रेस्टोरेंट जाना है। मरने से पहले डी के आदमी ने इसी रेस्टोरेंट का नाम लिया था, मतलब बॉस डी और रेस्टोरेंट का कनेक्शन जरूर है। शिवा, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम जीनियस हो, तुमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। शिवा से टकराए की जरूरत कौन ना ही कर सका था। पटियाले के बाद मुझे टकीला नहीं पीनी चाहिए थी, और उस शकीला के साथ मुझे थकेला डांस नहीं करना चाहिए था। पहले तो साला फैमिली को बचाने का ठेका मेरे सर आ गया, और अब प्रिया, मैं प्रिया को पहले बचाऊंगा क्योंकि वो मेरी आने वाली फैमिली है। वाओ, 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 वाओ। ये 10-15 साल से पहले तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, इसे मेडिकल की नहीं मिरेकल की जरूरत है। प्रिया, मम्मी, पापा, शिवा, अंकल, कुछ नहीं होगा, पुलिस वाले हैं ना। अरे मुझे चलना होगा, शिवा चलो तो मुझे। रिलैक्स, अकूल। वाकई अर्जेंट था। हाँ। एल्युमिनियम फैक्ट्री, ये जगह इसलिए चुनी ताकि यहाँ तोड़फोड़ कम हो, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हमारा हीरो फरहाद की औलाद है। सुनो, अगर वो साला बाइक लेकर आया
तो 10 आदमी यहाँ से हमला करना। जी भाई। अगर कार से आया तो 20 आदमी हमला करना, ट्रेन से आया तो 30। ठीक है भाई। और फ्लाइट से आया तो 40 आदमी तैयार रहना। किसी को कोई शक? समझ गया भाई। हमारे गैंग में कितने लोग हैं? 20 आदमी भाई। हिसाब में कच्चे हो क्या? बजट कम था इसलिए प्रोड्यूसर ने आदमी कम बुलाया। बजट की परवाह नहीं है, समझा? मुझे 10 आदमी और चाहिए। सिर्फ 10 आदमी नहीं, 100 आदमी और भर्ती कर ले चढ़िया। और ज्यादा होंगे तो भी चलेगा, जरा भी कम ना हो। मुंजो दिकड़ो आवे छे। कौन सी भाषा बोल रहा है रे? मैं मराठी बोलतो रे। वाह 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 वाह, इसको बोलते नेशनल इंटीग्रेशन। मौत सामने देखी तो सारी भाषा बोलने लग गया। मैं तो बोलता हूँ डाल दो गोली। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो भी मत बताना। सारी भाषाएं बोलता है। अबू जान, जिस पाठशाला में हूँ लर्न करवा गया था, तिगड़े में बसों भाषा सीखी है। देखो जी, बिल्कुल आपकी तरह ही बोलता है, इसे किसी की नजर ना लगे। प्रिया, इन्हें रिक्शा में बिठाकर वापस आओ। और तुम? चलिए चलते हैं। जल्दी चल, मुझे ढोकले की भूख लगी है। अंकल आंटी तो भाग गए। तो तुम लोग क्या कर रहे थे? कहा था आते ही मार डाला उसे। आपने कहा था बाइक, कार, ट्रेन या फ्लाइट से आए तो मारना, रोड रोलर के बारे में तो कुछ कहा नहीं। अरे मुंह बंद कर टकले, जाओ पकड़ो उसे और मार डालो। तुम लोग ऐसे घूम रहे हो तो मुझे गरबा याद आ रहा है। मैंने बचपन में बिना टंडे के बहुत डांडिया खेला है। आ जाओ टीम मीटिंग भाई। अच्छा सुनो, ये बहुत बड़ा खेल ही लगता है तो हम लोग एक एक करके खेलते हैं, ठीक है ना? ठीक है। बाल की दुकान पहले तू जहाँ जा। टच भी नहीं किया तो ये खून किसका है? तेरा ही खून है। क्या चेक कर पाइल्स तो नहीं हो गया? डेटॉल है क्या? नहीं, फिनाइल चलेगा? इंजन ऑयल भी चलेगा, वरना मैं पहला गुंडा होऊंगा जो अपने हाथों मारा जाऊंगा। टाइम प्लीज। हाँ तुम लोग कंटिन्यू करो। इतना बड़ा होके भी डायपर पहनता? कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है भाई। बेशरम कहीं का, कब से मरी हुई छछुंदर की बदबू आ रही है। जा चेंज कर क्या, नेक्स्ट टाइम डायपर में ओडो मॉस रखा कर। मैं बच्चों के साथ नहीं लड़ता, जा। मैं मम्मी को बताऊंगा। अरे गोलियों से फूट डालो उसको। ए, ये AK-47 है बे,
ये खुजली 47 है। ये लगी तो तेरा खून फाउंटेन की तरह बाहर आएगा। ये लगी तो तू खुजा के मरेगा। नहीं, तेरी खोपड़ी खोलूंगा। पता है क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आज तक तूने शादी का सुख नहीं भोगा है। कोई अच्छी सी घर उजाड़ू लड़की देख के घर बसाड़ा। तू इस फिल्म में था क्या? सर, मैं वही हूँ जिसे बचाकर आप हीरो बने थे। अरे पर इसे क्यों मारा? ताकि आप जेल न जाओ। पर तुम तो जाओगे। मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरे हीरो हो। आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी हो गई, वो माँ बनने वाली है, मैं नाना बनने वाला हूँ। ब्रेक लगा, तू लड़ने आया है या फिर गुलाटी मारने? सर मेरा नाम गोलू गुलाटी है। गोल करके दिखाओ। अरे रुकना। मेरे को इतना काई को दौड़ा है रे, बता तू गन हटाए बिना नहीं बोल सकता? गलत आदमी का एनकाउंटर कर रहे हो तुम। अरे मियां सॉरी, तो बॉस जी कौन है? अरे फिर मिलांगे, आओ जो काका। क्रिकेट डी नीचे क्रिकेट खेल रहा है ये बताने के लिए थैंक यू। ये सारी बत्ती बिना वजह चल रही है, बिजली विभाग केंद्र को वोल्ट वोल्ट की जानकारी देनी होगी। अभिमन्यु, तुझे ये मकड़ी का बिजली चक्र तोड़ना ही होगा।
और दादी। दादी माँ, आप बॉस जी? कहानी में ट्विस्ट देखकर तेरी निकल गई। तेरे पैदा होने के 1 घंटे 15 मिनट बाद एक भविष्यवाणी हुई थी कि तू सुपर हीरो बनेगा, वो मैंने की थी, याद है तुझे? पहले ये बताओ ये नाटक काय को? नाटक कहता है बिना विलन के कभी हीरो सुपर हीरो नहीं बन सकता। अच्छे अच्छे डायलॉग बोलने पड़ते हैं, डायलॉग देख तो फिल्म फ्लॉप। विलन के पास कितनी अच्छी बॉडी होती है उससे अच्छी हीरो के पास होनी चाहिए, लेकिन तेरे पास नहीं थी। दादा की कसम, तुझे हीरो बनाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले। मैंने अपने सीने पर लादी तुड़वाई, इन सुरमई आंखों से मुझे घूर मत, लगा हथकड़ी, ले ले गोल्ड मेडल, जल्दी कर। दादी माँ, इसी हाथ से तूने मुझे पोलियो पिलाया। इस हाथ से बेटा? हाँ, इसी से खिलाया और इसी से धुलाया भी। नहीं। कोई भेड़िया ही होगा जो इन हाथों में भेड़िया डालेगा। नहीं, मगरमच्छ के आंसू मत बहा बेटा, फर्ज निभा। फर्ज पड़ा है या दादी के दूध का कर्ज? दिमाग कहता है कि फर्ज, दिल कहता है कि कर्ज, किसकी सुनूं मैं? अपने दिल की सुन पोते, मेरे दूध का कर्ज भूल जा। मैं बनूंगी दुबई की डॉन और तुझे बनाऊंगी हिंदुस्तान का सुपरस्टार। कराची से कन्याकुमारी तक सब दादी पोते को पहचानेंगे और बाकी सब धूल चाटेंगे। समझ गया दादी, तू एक्टिंग की भड़ास यहाँ निकाल रही है। तू टॉप मोस्ट लेवल की गुंडी ना बन सकी, इसलिए तुझ पर बीड़ी घोटाला, 4G घोटाला, शक्कर घोटाला और भाजी घोटाला लगा के तिहाड़ भेज दूंगा, तब होगा तेरा नाम। जेल की रोटी तेरा वेट कर रही है। तो चल जल्दी कर। हेलो, कौन बोल रहा है? सॉरी सर, वो तो मैं बोल रहा था। ओ, बोलो क्या खबर है? शिवा ने दे दी बहुत बड़ी गोटी और बॉसी का किडनैप कर लिया। क्या? अगर वो अदालत पहुंच गई तो हम भी जेल पहुंच जाएंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो कोर्ट तो जाएगी लेकिन बोल नहीं पाएगी। वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था। बॉस डी ने सालों से शहर में दहशत फैलाई हुई थी। सबसे बड़ी डॉन डी अदालत पहुंचने वाली है। कैमरामैन राम बाबू के साथ मैं गंगा, FTV। पीछे हटिए, आरोपी को जगह दीजिए। प्लीज, कोर्ट इज मीटिंग। डीजीपी, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है सर। पर सफाई कोर्ट में देना शिवा। कार्यवाही शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। इस शिवा ने डीजीपी को खुद आपके सामने मारा है, इसीलिए कोर्ट से अपील है IPC सेक्शन 302 के तहत इन्हें फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो नौजवान? अभी नहीं। रुकिए जज साहब। जफर भाई? नहीं, रॉय, जफर रॉय, CBI ऑफिसर। शक की बुनियाद पर CBI ने मुझे शिवा के पीछे अंडरकवर ऑपरेशन पर भेजा था। शिवा के साथ रहकर पता लगा कि ये खुद अंडरकवर रहकर एक ड्यूटी निभा रहा था। इसने डी को बचाने के लिए गोली चलाई। इस मामले के सारे सबूत इस नए आईपैड में मौजूद हैं। थोड़ा भारी है, लगता है सबूत ज्यादा होंगे, इसे मैं आराम से देखूंगा। चोर कहेगा। थैंक यू मिलाज। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस केस का फैसला अगले महीने की 24 तारीख तक मुलतवी किया जाता है, पर उस दिन मेरी भतीजी की बर्थडे पार्टी होने की वजह से इस केस का फैसला मैं आज ही सुनाने जा रहा हूँ। कानून से ज्यादा मुजरिमों का साथ देने वाले DGP की हत्या भी कानूनन जुर्म है, इसलिए ये कोर्ट शिवा को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। आज से 30 साल पहले बॉबली पुडी के नाम से मशहूर मेजर चक्रधर और कुछ साल पहले टैगोर नाम के लेक्चरर के केस में हुए फैसलों को ध्यान रखते हुए
आरोपी शिवा को निर्दोष करार दिया जाता है। इतना ही नहीं, शिवा की दादी उर्फ डी को भी ऐसा सुपर हीरो तैयार करने के लिए न सिर्फ बाइज्जत बरी किया जाता है बल्कि ऑस्कर अवार्ड के नॉमिनेशन के लिए रेकमेंड किया जाता है। थैंक्स, मेरे दूध का कर्ज उतर गया। थैंक्स किस लिए? ऑस्कर लेते समय यार रहमान ने भी यही लाइन बोली थी ना। गुड आइडिया। शिवा को डीजीपी का प्रमोशन जल्द से जल्द देने का ये कोर्ट सरकार को आदेश देती है। नहीं, नो, रुको, नहीं मानो। जिस डिपार्टमेंट में काम करके मैं खोली भी ना ले पाया, तिकड़े मन ने काम नहीं करना जज साहब। स्पीकिंग। हेलो मिस्टर शिवा, मैं तुम्हारे राज्य का सीएम बोल रहा हूँ। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारी जरूरत है शिवा। आपकी बात में दम है लेकिन सैलरी कम है। Who's this? पुत्र शिवा, मैं दिल्ली तो बोल रहा। सुन शिवा, तेरा इस पुलिस डिपार्टमेंट नू ज्वाइन करना जरूरी है। माफ करना, आप जो भी हो, कुछ सुनाई नहीं दिया। ओबामा। मिस्टर शिवा, ओबामा स्पीकिंग। जल्दी से ड्यूटी ज्वाइन कर लो और हमारा कंट्री को शेव कर लो। शेव नहीं ओबामा जी, सेवा करने बोलो। ठीक है, आप हमारे फैमिली फ्रेंड है इसलिए मैं आपकी बात को नहीं डाल सकता। कल की फ्लाइट पकड़ के मैं परसों आ रहा हूँ। डॉलर में पैकेज मिला दादी। I'm going west, all the best. बहुत मजा आया डैडी। डैडी पर ये हीरो कहाँ जा रहा है? बेटा मूवी के एंड में हीरो ऐसे मुंह उठा के चला जाता है। इसकी कोई खास वजह नहीं होती, समझ लो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है और बीपी और शुगर भी कंट्रोल में रहती है। पर अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी हो तो बस फिर से ये पिक्चर देख लेना, क्योंकि हंसना सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। बेटी अब तुम सो जाओ, ज्यादा देर तक जागना अच्छी बात नहीं होती।